मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं अल्मोड़ा और सोनीपत। दिल्ली एनसीआर से सुबह 5 बजे निकला था और मेरे को दिल्ली कुछ काम पड़ गया और मैं दिल्ली आया। दिल्ली मेरे को अब बज रहे हैं 7:15। दोस्तों ये हम आ चुके हैं रामपुर और थोड़ा सा मेरा आइडिया संजीव और मेरा विचार बदल गया है। हम लोग अल्मोड़ा जाने की बजाय पिथौरागढ़ जा रहे हैं और आज हम पहले चलेंगे पिथौरागढ़। दोस्तों ये रुद्रपुर से हम लोग सितारगंज, रुद्रपुर सर्कल से हम राइट हो गए और सितारगंज किच्छा और रुद्रपुर को उधम सिंह नगर के नाम से भी जाना जाता है और हम किच्छा होके सितारगंज से हम नानकमत्ता से फिर आगे हम पिथौरागढ़ की तरफ जाएंगे। ये सीधी रोड जो है ये मेला घाट नेपाल के लिए निकल जाएगी और लेफ्ट टनकपुर के लिए, राइट पीलीभीत के लिए। और अब टनकपुर तक रेलवे आती है और पुनागिरी एक्सप्रेस नई दिल्ली से मिलती है और आप टनकपुर तक बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। और पिथौरागढ़ में एयरपोर्ट भी है, हिंडन एयरपोर्ट से, हिंडन बेस से 36 सीटर डेली एक फ्लाइट आती है जिसकी आपको एडवांस में बुकिंग करानी होगी। यहाँ आने के लिए आप बाय एयर भी आ सकते हैं। ये देखिए नेपाल जाने का रास्ता, ये नेपाल लिखा हुआ है। महेंद्र नगर रोड, यहाँ से आप नेपाल के लिए जा सकते हैं। ये है रास्ता नेपाल जाने का। दोस्तों ये धोनी चंपावत में मैं हूँ इस समय और यहाँ आपको मैं एक खास चीज दिखा रहा हूँ। ये देखिए चंपावत में एक ये मंदिर है, ओम भागा धोनानी धर्म माता मंदिर धोन चंपावत। देखिए ये जो ऊपर पत्थर है सिलवट्टे पे, ये धोनानी धर्म माता, जो धोनानी नाम की यहाँ पे भागी धोनानी नाम की कोई औरत थी और ये उस पत्थर को अपने कमर पर बांध कर ये इस पत्थर को, जो आज 5 से 5-6 आदमी मिलके नहीं उठा सकते, वो घास काटने के लिए जब ऊपर जाती थी और इस पत्थर को घिस के, जब उनकी दराती हल्की पड़ जाती थी तो इस पत्थर पर घिस के उसको धार बना लेती थी और ये कमर पर बांधकर वो ऊपर चली जाती थी। तो ये यहाँ का इतिहास और ये पत्थर यहाँ पे अब ये चबूतरे पर रखा गया है। धोनानी धर्म माता मंदिर एक खास, बहुत ही खास जगह, खास पत्थर। देखिए आपने शायद इससे पहले इसको नहीं देखा होगा। ये हम रुके थे होटल 78 थम्स डाउन, तो आप इस तरफ आओ तो इस होटल को अवॉइड करो, बिल्कुल काम का होटल नहीं है, रहने लायक नहीं है। दोस्तों ये हम पिथौरागढ़ के झूला घाट एरिया में जा रहे हैं और ग्रीनरी वाकई देखने वाली बनती है। बहुत ही सुंदर एक हरे भरे एरिया से हम लोग निकलते हुए, थोड़ा मैं यहाँ बाहर की तरफ आपको दिखाता हूँ। देखिए जंगल और कितनी सुंदर ग्रीनरी है, यहाँ पर पेड़ से पेड़ सटा हुआ है एकदम से। और ये कंटोनमेंट एरिया है आर्मी का सारा यहाँ पर। दोस्तों ये सामने नेपाल की तरफ से रास्ता आ रहा है और हम, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके ऑपोजिट हम पिथौरागढ़ की तरफ से आ रहे हैं। 20 किलोमीटर हम और आगे झूला घाट की तरफ जाएंगे नेपाल बॉर्डर तक। और बहुत ही सुंदर रास्ता, बहुत ही बेहतरीन और इतना सुंदर सड़क किनारे सामने मंदिर दिख रहा है। नीचे झूला घाट गाँव का बहुत ही सुंदर सीन नज़र आता है, ऊपर से पूरा गांव दिखता है। और आप देखिए जो ये नदी गौरी गंगा और काली गंगा ये मिलकर आ रही हैं, ये गौरी गंगा और काली गंगा हैं, ये भारत और नेपाल की सरहद है। जो स्क्रीन पर राइट साइड नेपाल है और लेफ्ट साइड जो गांव आपको दिख रहा है, ये हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान की सरहद है। बहुत सुंदर।
ये तालेश्वर मंदिर 7 किलोमीटर, झूलाघाट 1 किलोमीटर, नेपाल सीमा झूलाघाट 1 किलोमीटर, और यहाँ पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस भी है, बहुत ही सुंदर। झूलाघाट हम पहुँच चुके हैं, झूलाघाट बहुत ही बढ़िया कस्बा, यहाँ पर बहुत शानदार, हिंदुस्तान का आखिरी गांव, और इसके बाद हम चले जाएंगे नेपाल की तरफ, हिंदुस्तान की सरहद पर आखिरी बाजार आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान की सरहद का आखिरी गांव, यहां पर देखिए रोड ख़त्म हो गई, आगे पैदल जाएंगे नेपाल के झूला पुल की तरफ और गाड़ी यहीं तक आती है। और यहां पर एक ये मार्केट देखिए, ये भी यहां मजदूरी करते हैं, यहां अजीत सिंह जी, ये यहाँ का बाज़ार मैं आपको दिखा रहा हूँ, सरहद का आखिरी बाज़ार, झूला पुल का जो ये बाज़ार है। गाड़ी अब हम वहाँ खड़ी कर कर पैदल ही आगे इस मार्केट में, आप मार्केट देखिए यहाँ की, बबलू थापा, ये हमें पुल तक लेकर जा रहे हैं और मार्केट अपनी यहाँ की दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए छोटा सा बहुत अच्छा बाजार, यहाँ यहाँ से करते हो ऐसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाजार अच्छा, ये झूला बोल। दोस्तों हम नेपाल की सरहद पे आए हैं, तो नेपाल की कोई यादगार तो लेनी है तो मैं उसी हिसाब से अब यहाँ की वेशभूषा धारण की है, टोपी तो मैं लेके डाल ही सकता हूँ, तो ये मैंने कैप ली है यहाँ पर, मुझे अच्छी लगी। तो चलिए आज अभी ये उत्तराखंड की कैप उतार कर नेपाल में नेपाल की कैप डाल के थोड़ी देर घूमते हैं और आगे देखते हैं क्या यहाँ पर आसपास मार्केट में हमें देखने को मिलता है। यूट्यूब चैनल के लिए बना रहे हैं हम। शराब वराब के बारे में बताओ, यहाँ बहुत शराब मिलती है? यहाँ तो ठीक है, महंगी मिलती है। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर हम अपने नाम और मोबाइल नंबर की एंट्री कर कर आराम से नेपाल साइड पर आ गए। यहाँ छोटी सी मार्केट और यहाँ पर शराब की दुकानें बहुत सारी हैं और कई तरह की शराब यहाँ पर मिलती है, और आप कपड़े वगैरह, टोपियाँ और घूमने में मज़ा आता है। ये नेपाल से झूला पुल की पिक्चर नज़र आ रही है, ये झूला पुल है जो हिंदुस्तान और नेपाल को एक करता है, पैदल जाने का ये मार्ग है, मोटर मार्ग नहीं है, आप आराम से बिना किसी रोक टोक एंट्री कर कर आप नेपाल घूमने के लिए आ सकते हैं, बहुत बढ़िया। और नेपाल में अंदर आते ही सामने एक छोटा सा मंदिर दिखता है और यहाँ नेपाल की फोर्स, गांव वाले एक दूसरे अपना हिंदुस्तान और नेपाल आना जाना करते रहते हैं, जो सामान की ज़रूरत है जिसको वो इधर उधर से परचेस कर लेता है। दोस्तों ये पिथौरागढ़ का एक खूबसूरत सीन, सिटी पिथौरागढ़ का बढ़िया सा,
और ये इस समय मैं खड़ा हूँ, ये यहाँ का मिलिट्री स्कूल है, बीसी जोशी, वर्ल्ड फेमस स्कूल माना जाता है ये। दोस्तों, आप अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और हमें मैसेज ज़रूर डालें ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन बटन चाचा का बायोस्कोप। ये सामने आपको पिथौरागढ़ का नैनी सैनी एयरपोर्ट नज़र आ रहा है, बहुत सुंदर व्यू आता है। गाज़ियाबाद हिंडन एयरपोर्ट से रोज़ एक फ्लाइट यहाँ आती है, उसके लिए आपको एडवांस में बुकिंग लेनी पड़ेगी, 32 सीटर फ्लाइट है। दोस्तों, ये मोस्ट मानू टेंपल पिथौरागढ़ से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर आए हैं। देखिए व्यू कितना अच्छा है यहाँ। दोस्तों, ये हम आ गए हैं मोस्ट मानू टेंपल, यहाँ का बहुत ही सुंदर डेवलप किया हुआ है इन्होंने, बहुत अच्छा टूरिज्म के लिए अब इसको बना रहे हैं और अच्छी लुक है, बाहर से देखने में ही अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं। मोस्ट मानू मंदिर पिथौरागढ़ शहर के अधिकांश दिव्य स्थलों में से एक, शहर से 6 किलोमीटर दूर है, पिथौरागढ़ किले के नज़दीक स्थित है। मंदिर पूरे शहर की ऊंची घाटी का एक दृश्य और मंत्रमुग्ध छोड़ने के लिए निश्चित है। एक खूबसूरत एंट्रेंस, पहले मेन गेट से हम अंदर आए और ये भी मंदिर का एक अच्छा सा एंट्रेंस बनाया हुआ है यहाँ पर। चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं। चलिए दोस्तों, मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, दर्शन करते हैं। दोस्तों, इस सुंदर से मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हमें आगे बढ़ना होगा। यहाँ से चैना गांव हमने पहुँचना है, जो कि अभी यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर और आगे है। हमें वहाँ गांव में रहने का मौका मिल रहा है, जिसे मैं गंवाना नहीं चाहता। तो ये छोटा सा ट्रिप मेरा पिथौरागढ़ का एक यादगार ट्रिप रहेगा और आगे हम चलेंगे और देखेंगे गांव में, पिथौरागढ़ के गांव में हम घूमेंगे, रहेंगे, वहां के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए चाचा का बायोस्कोप चैनल के साथ और जानिए पिथौरागढ़ के गांव के बारे में। और चलिए मिलकर चलते हैं चैना गाँव।